आगरा में भाजपा विधायक पर एक किसान द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। किसान ने आरोप लगाया है कि उनके समर्थक जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। पूरा मामला खेरागढ़ तहसील इलाके के गांव मंगलपुरा का है। यहां के रहने वाले रामकुमार ने आरोप लगाया है कि दबंगों ने कुछ दिन पहले बाजरे की फसल को नष्ट कर दिया और हथियारों के दम पर कब्जा करने की कोशिश की। किसान रामकुमार ने जब पुलिस के अधिकारियों से गुहार लगाई तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब आकर पीड़ित किसान रामकुमार ने भारतीय किसान यूनियन अटल के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें भाजपा विधायक भगवान सिंह पर आरोप लगाए हैं कि वह आरोपियों को संरक्षण दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान ने कहा है कि अगर उसको न्याय नहीं मिला तो मुख्यमंत्री से मिलकर शिकायत करेंगे। ऐसा है, खेरागढ़ से क्षेत्रीय विधायक भगवान सिंह कुशवाहा के दबंग जो लोग हैं उनका संरक्षण जिनके प्राप्त है, वो पीड़ित परिवार जो हमारे किसान हैं और संगठन के कार्यकर्ता भी हैं, उनकी खेती पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। खेती बाबा दादा लाए टाइम से इनकी है, यही जोते आ रहे हैं, यही देखते आ रहे हैं। लेकिन इस बार कुछ समय पहले बाजरा की खेती जो मौजूद खेत में खड़ी थी उसको हथियारों से और ट्रैक्टरों से एक जोत दिया, नष्ट कर दिया गया। उसी समय से पीड़ित जो है प्रशासन के दरवाजे पर जा रहा लगातार, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई है तो हम लोगों को आज प्रेस वार्ता का आयोजन करना पड़ा। क्षेत्रीय विधायक का संरक्षण जिनको प्राप्त है, उन्होंने ना सिर्फ इनकी खेती को जोता, अब इन्हें बोने से भी रोका जा रहा है। यदि ये अपने खेत पर जाएंगे तो इनके परिवार के साथ या इनके साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है। हथियारों से वो जो भी विपक्षी गण हैं हथियारों के साथ आते हैं, इनकी हत्या हो सकती है। अपनी भूमि को कोई नहीं छोड़ना चाहता, ये जाएंगे, अगर हत्या हुई तो प्रशासन और क्षेत्रीय विधायक जिम्मेदार होगा। यदि अवैध कब्जा हुआ उसके लिए भी प्रशासन और क्षेत्रीय विधायक जिम्मेदार होगा। इन्होंने राजस्व से अपनी जांच कराई है, जिस जांच की रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि पीड़ित की ही भूमि है जिसको विपक्षी गणों ने अवैध रूप से जोत दिया है। पुलिस अग्रिम कार्रवाई करे। पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर कई दिन जब इन्होंने अधिकारियों के यहां चक्कर लगाए तो सिर्फ NCR दर्ज कर इनके साथ में धोखा किया। जब पूछा गया कि आप इस तरीके की जो है उचित कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने संबंधित अधिकारियों को सूचित किया कि मेरे ऊपर क्षेत्रीय विधायक का दबाव है, इसलिए आज प्रेस वार्ता की है। और अगर 7 दिन के अंदर क्षेत्रीय विधायक का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वह आगे आए, इन पीड़ित का जो पीड़ित के लिए न्याय की जो प्रक्रिया है उसमें अपनी भूमिका जो है होगी उनकी। और अगर ऐसा नहीं है तो हम 7 दिन बाद माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करके जहां जीरो टॉलरेंस की उत्तर प्रदेश में बात कर रहे हैं, वहीं एक MLA जो है उनकी सरकार का इस तरीके का अप्रिय कृत्य लोगों के साथ में उनके उनके जो संरक्षण प्राप्त लोग हैं इस तरीके की हरकत की जा रही है, तो न्याय प्रक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा या न्यायालय द्वारा उनको बख्शा नहीं जाए, उनको उचित कार्रवाई की जाए। पीड़ित परिवार ने भारतीय किसान यूनियन अटल से ये गुहार लगाई है कि आप हमारी सहायता। कितनी जमीन है ये? 10.5 बीघा जमीन है, मौजा दाड़की में है, खेरागढ़। मेरा नाम भारत सिंह, ग्राम पंचायत नगर प्रवर्तन और जमीन मौजा दाड़की भी 828 की और 10.5 बीघा जमीन। दावा और दावा के जमाने से हम करते आ रहे हैं इस जमीन को, जल्द से बाजरा खोल बाजरा हम लोगों ने जीत लिया। हमने तहरीर दी कि 30/9/2024 को थाने में तहसील में तहसील में से उनका अपना पत्र दिया, उसका तहसील बस वाले का इलेक्ट्रॉन हुआ लेखपाल पानी देने और राजनीति क्षेत्र में डाक तहसील मैंने रिपोर्ट लगाई जमीन नहीं होती है, जल की FIR दर्ज की है पुलिस में, FIR दर्ज नहीं NCR पास जो जाती है
धमकाते हैं, गोली चलाते हैं, मारने की धमकी देते हैं, हमको कुछ तो बोलने नहीं देते। हाँ